नमस्कार और आप देख रहे हैं पर्पल। हरियाणा के लिए एक बड़ी खुशी की बात है कि कोरोना वायरस से संक्रमित 20 मरीजों में से 6 लोग पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं, जिनमें से 5 व्यक्ति गुरुग्राम जिले के हैं और 1 व्यक्ति फरीदाबाद जिले का है। इसके साथ ही राहत की बात यह भी है कि प्रदेश में अभी तक कोरोना के कारण किसी भी व्यक्ति की जान नहीं गई। ये जानकारी आज हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आयोजित स्वास्थ्य विभाग व राज्य की सभी जिला स्तर के अधिकारियों और मेडिकल कॉलेजों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक के दौरान कही गई। बैठक में बताया गया कि गुरुग्राम जिले में 10 पॉजिटिव केस थे और उनमें से अब 5 सैंपल नेगेटिव आ चुके हैं, अर्थात 5 लोगों का इलाज पूरी तरह से हो चुका है। इसके अलावा अब कोई भी संक्रमित व्यक्ति नहीं रहे हैं। जिले में जो पहला पॉजिटिव केस था उसका टेस्ट भी अब नेगेटिव आ चुका है। इस प्रकार से स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि फरीदाबाद में 3 पॉजिटिव केस पाए गए थे, जिनमें से आज एक का टेस्ट भी नेगेटिव आ चुका है। इसका मतलब यह है कि पूरी तरह से फरीदाबाद में जो कुल 2 संक्रमित केस रह गए थे उनकी रिपोर्ट बाकी है। वहीं मुख्यमंत्री ने वायरस को फैलने से रोकने के लिए काम पर लगे स्वास्थ्य विभाग से जुड़े अधिकारियों व कर्मचारियों को विशेष तौर पर गुरुग्राम और फरीदाबाद जिला प्रशासन के अधिकारियों के सभी प्रकार के प्रयासों की सराहना की है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्ण रूप से ये समर्पित कोविड-19 अस्पताल बनाने के भी निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने अपने स्तर पर जिला स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने अपने जिले में विशेष तौर पर चिकित्सकों की एक टीम बना करके तैयार रखें, ताकि जरूरत पड़ने पर कोरोना की महामारी से स्वास्थ्य विभाग द्वारा उठाए जाने वाले सभी आवश्यक कदमों के बारे में आपस में विचार विमर्श किया जा सके और इन्हीं को साथ लेकर के निर्णय लिया जा सके। बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि कोई भी इस प्रकार का एक मोबाइल ऐप बनाया जाए, जिसमें होम क्वारंटाइन में किए गए लोगों की गतिविधियों पर नज़र रखी जा सके और इनके लिए निर्धारित किए गए स्थान से दूर जाते ही सरकार को पता चल सके, ताकि इस ऐप के माध्यम से राज्य सरकार को उनकी सूचना मिल जाए और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा सके। गृहमंत्री अनिल विज ने भी पुलिस अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं कि होम क्वारंटाइन में किए गए लोगों को गतिविधियों पर नज़र रखी जाए और तथा संबंधित थाना में SHO को नियमित तौर पर उनकी चेकिंग करने के निर्देश भी दिए। अगर कोई नियमों का उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अब देख रहे हैं पर्पल की विशेष रिपोर्ट।